हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच में होने वाले फर्स्ट ODI मैच की। और ये ODI मैच जो देखोगे ना, तो दोनों टीमों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दोनों टीमों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद पता है आपको कि ODI का जो है वो आपको इंडिया के लिए तो खासकर जो है वो आपको एशिया कप होने वाला है, और उसके बाद से फिर से देखोगे तो आपको जो है वो आपको वर्ल्ड कप इंडिया में होने वाला है। तो उस लिहाज से दोनों टीमों के लिए जो है ना, ये ODI काफ़ी जो है गंभीर है, और दोनों टीमें जो है वो चाहेगी कि अपना दबदबा जो है वो दोनों बनाए। तब देखेंगे किस तरीके से मैचेस हो सकता है। हालांकि रिसेंट या कुछ मैचेस में आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज़ जो है वो आपको थोड़ा सा कमज़ोर जो है वो ज़रूर नज़र आया है बाकी टीमों के कंपेयर में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आप जो है ये वर्ल्ड कप के लिए भी जो है क्वालिफाई करना थोड़ा सा जो है मुश्किल इनके लिए हो रहा है। और अभी भी देखोगे पिछले जो है T20 वर्ल्ड कप था, वहाँ से भी जो है ये बाहर निकल गए। तो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है, जो आज से 4-5 साल पहले थी, वो टीम अभी भी नहीं है। तो आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है, और उसके कंपेयर में वेस्ट इंडीज़ जो है ना भी काफ़ी वीक टीम है। तो उस तरह से जो है वेस्ट इंडीज़ आप ले सकते हो इस सीरीज़ के लिए। फिर भी इस मैच की बात करें तो आपको थर्सडे को यानी कि 27 जुलाई को कल देखने को मिलेगा। टाइमिंग जो होगा 7 PM इंटरनेशनल टाइमिंग के हिसाब से, और वेन्यू जो है आपको किंगस्टन ओवल जो है बारबाडोस में जो देखने को मिलेगा। तो देखेंगे किस तरीके से मैचेस ये हो सकता है, क्या क्या जो है यहाँ पे चीज़ रहने वाला है, कैसा जो है आप लेके चल सकते हो, तो उसके लिहाज से पूरा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी तक जो है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें ना, और अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो चाहते हैं कि विनर सेंटर इस सीजन इंट्री में आप बहुत ही प्रॉफिट उठा सकते हो, जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो कॉल पर सर्च करके, और ऑर्डर भी लेने के लिए आप स्क्वाडिंग लेवल पर जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि पिच के बारे में। तो पिच आप देखोगे ना, तो ये जो है हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एक एवरेज बैटिंग पिच जो है आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे बैट्समैन जो है अगर पावर प्ले बीत जाता है तो उसके बाद से यहाँ पे बैटिंग करना एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच यहाँ पे आगे बढ़ते जाता है तो देखा जाता है कि ग्राउंड जो है वो स्लो डाउन होते जाता है, और यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करना धीरे धीरे जो है वो चैलेंजिंग टास्क बनते जाता है। और इसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे जो पहला फेज है मैच का, उसमें फास्ट बॉलर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट महत्वपूर्ण जो है वो डालते हैं, इम्पैक्टफुल डालते हैं। और उसके बाद से जैसे जैसे और पिच जब स्लो होते जाता है तो स्पिन बॉलर जो है वो गेम में आ जाते हैं, और स्पिनर के लिए जो है वो टर्निंग और ग्रिपिंग बहुत अच्छे तरीके से वेस्ट इंडीज़ के पिच पे जो है होना शुरू हो जाता है, जिससे आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा जो है वो कम्बिनेशन बन जाता है स्पिन बॉलरों के बीच में, जिससे वो विकेट लेने में काफ़ी अच्छे कामयाब हो जाते हैं। ऑन एवरेज अगर हम ODI की बात करते हैं तो यहाँ पे 230 के ऊपर जो है वो रन बनते हुए नज़र आता है, यानी कि ऑन एवरेज स्कोर जो है 230 के ऊपर है। लेकिन अगर 230 के ऊपर के आसपास भी जो यहाँ पे रन बनता है तो आप देखोगे तो उसे जो है चेस करने में जो है वो दिक्कत आ सकती है, जो भी टीमें जो है वो चेस करेगी और थोड़ा सा अच्छे से करेगी तो उसे डिफेंड भी किया जा सकता है। तो ये चीज़ जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं कि इंडिया का जो प्लेइंग 11 है, तो कंसिडरेबली जो प्लेइंग 11 है आपको जो है कुछ इसी तरह से दिखाई देगा। अब इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं, तो बॉलर में जो आप देखोगे तो या तो कुलचा की जो है जोड़ी खेलेगी, या अक्षर पटेल और जडेजा जो है खेलेगी, या फिर इसके अलावा जो आप देखोगे तो ईशान किशन की जगह जो है संजू आ सकते हैं, और सूर्यकुमार यादव जो है वो आपको रहते हुए नजर आएंगे। तो बाकी जो है प्लेइंग 11 जो है आपको इंटेक्ट देखने को मिलेगा। तो अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जो है डिटेल्स देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देख के चलना है। तो अब बात करते हैं कि पिछले कुछ मैचेस जो इन्होंने खेला है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, यहाँ पे जो है मैंने सारे डाटा देख रखे हैं कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किस तरीके से इन्होंने रन बनाया है। तो अगर हम रोहित शर्मा की बात करें तो देखोगे 36 मैचों में जो है इन्होंने जो है वो 50 जो है वो हाफ सेंचुरी बनाया है, 3 जो है वो सेंचुरी बनाया वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और हाईएस्ट स्कोर देखोगे तो 162 है, और एवरेज रन देखोगे तो आपको 57 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट जो है थोड़ा सा स्लो रहता है, 100 के नीचे रहता है, जो कि ठीक ठाक है, ODI है, चल जाएगा। और टोटल देखो 1600 के आसपास वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बना सके। उसके अलावा शुभमन गिल का भी जो है देखोगे तो सिर्फ 3 मैचेज है, लेकिन काफ़ी अच्छा जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्ट्राइक रेट, और साथ में एवरेज भी आप देखोगे तो 102 का जो है एवरेज है। अब इसका मतलब यही कि बहुत सारे मैचों में जो है ये नॉट आउट रहे हैं। विराट कोहली की बात करते हैं तो 42 मैचेज जो है खेल चुके हैं इनके खिलाफ, जिनमें से देखोगे तो आपको जो है हाइएस्ट 157 है, और 11 हाफ सेंचुरी है, और 9 जो है वो सेंचुरी है, और 0 पे भी जो है ये 3 बार जो है वो आउट हुए थे। इसके अलावा देखोगे तो 2200 रन जो है बना चुके हैं, 66 का जो है एवरेज है, और यहाँ पे 96 का जो है स्ट्राइक रेट। तो इस तरह से आप एवरेज स्कोर की तरफ देखोगे, ईशान किशन का भी जो है एक मैच में ठीक स्कोर है। इसके अलावा देखोगे तो एक एवरेज देखोगे तो सूर्य कुमार यादव का भी जो है थोड़ा बहुत ठीक रहता है। और इसके अलावा अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, सरदुल ठाकुर को देखोगे 7 मैच जो है इनके खिलाफ, जिसमें से 11 विकेट है, तो एक अच्छा जो है हम लोग कह सकते हैं एवरेज भी देखोगे 29 का, इकोनॉमी रेट 6 के आसपास रहता है। चहल की बात करते हैं, चहल का देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पे 10 मैचों में 20 विकेट जो है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है, और इकोनॉमी रेट देखोगे तो काफ़ी कम है, 5 के आसपास है। सिराज का देखोगे तो 6 मैचों में 9 विकेट है। तो कह सकते हो कि यहाँ पे जो है काफ़ी ऐसा जो है आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। और ये जो प्लेयर है, आप वीडियो को पॉज कर लेना एक बार, और पॉज करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा प्लेयर जो है आपके काम का है, किस तरह से जो है आप डाटा यहाँ से फैच करके अपनी टीम में जो है बना लेते हो, तो ये आपके लिए जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाएगा। अब एक बार बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो वेस्ट इंडीज़ का प्लेइंग 11 है, तो वेस्ट इंडीज़ में आप देखोगे तो आपको जो है काफ़ी जो है वो नए नए प्लेयर जो है आपको दिखाई देंगे।
और जिन प्लेयर को आप जानते हो शायद उनमें से बहुत कम ही जो है आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब बात कर लेते हैं कि इनके जो डाटा है कुछ इंडिया के खिलाफ वो किस तरीके से, उसको हम एक बार देखते हैं। तो अगर इंडिया के खिलाफ हम लोग बात करते हैं, रोमन पोयल का देखोगे 10 मैचेस है, ये ओडीआई की बात कर रही है, जिसमें आप एवरेज देखोगे तो 14 का है और स्ट्राइकर देखोगे 69 का है। और सबसे हाईएस्ट एवरेज की अपने बात करते हैं यहाँ पर सिमरन हेटमेयर का देखने मिलेगा जो कि 45 का है, और स्ट्राइकर पर देखोगे तो आपको 120 के आसपास दिखाई देगा जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। इंडिया के खिलाफ देखा जाए तो रन इन्होंने 500 बनाया है और जो हाईएस्ट है वो देखो 139 रन है। इसके अलावा बात किया जाए यहाँ पे तो आप देखोगे तो यहाँ पे जो एवरेज है वो है 38 का जो है काइल मैच का सिर्फ 3 मैचों का, तो ये कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा सही होप का देखोगे सही होप को आप देखोगे 46 है, तो ये भी जो है आप कंसिडर करके इनको जा सकते हो इंडिया के खिलाफ। अब बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में देखो एजोरी जोसेफ को इंडिया के खिलाफ जो है 12 मैचेस है, 12 मैचों में से 20 विकेट है, और उसके अलावा देखोगे जेडन सीरिंस, रोमियो शेफर्ड और जो है उसान थॉमस, इनको ज़्यादा मैच हालांकि नहीं मिला है लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत जो आप देखोगे तो इकोनॉमी रेट अगर देखा जाए जेडन सीरिंस का जो है काफ़ी अच्छा रहता है पिछले 3 मैचों में। इसलिए रोमियो शेफर्ड का भी जो है आप देखोगे तो इनका भी इकोनॉमी रेट ठीक है, और उसान अजमित थॉमस की बात करते हैं देखोगे 4 मैचेस है विकेट है लेकिन इनको 2 ही मिला है 4 मैचों में, और इकोनॉमी रेट भी देखोगे तो 9 के आसपास है, तो एक बड़ा सा जो है इकोनॉमी इनके देखने को मिल जाता है। अब जो मैंने टीम सेलेक्ट किया है उसको एक बार देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर देखोगे तो विकेट की तौर पर मैंने जो है सही होप को रखा है। इसके अलावा बात करते हैं बैटिंग में, तो बैटिंग में देखोगे तो मैंने 5 बैट्समैन जो है यहाँ पर रखा है, रोहित शर्मा को रखा है, इसके अलावा जो है विराट कोहली, शुभमन गिल को, हेडमेयर को, और एक जो है आपको ब्रेंडन किंग को, और ऑलराउंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हार्दिक पांड्या को, काइल मेयर्स को रखा है, और बॉलिंग की बात करते हैं तो एजरी जोसेफ को, चहल और सरदू ठाकुर को जो है यहाँ पर मैंने पिक किया है। अब सरदू ठाकुर की जगह आप चाहते हो तो जो है वो आपको मोहम्मद सिराज को भी जो है पिक करके जा सकते हो, तो ये जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अभी के लिए जो है आपको ये टीम देखने को मिल जाएगा, बाकी जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो और चाहते हो कि विनर सेशन इन टीम में बहुत ऐसे आप रुपये उठा सको, तो ये जो व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है, साथ में आप टेलीग्राम पे जैसे कॉल पर सर्च करके और टीम मिलने के लिए आप स्क्वाडिंग 11 पे जुड़ सकते हो जहाँ पे आपको टॉस रिलेटेड भी जो सारी अपडेट मिलते रहता है। तो उससे पहले जो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा।